अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कदीर जफर वेलकम करना तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल देसी कदीर ऑफिशियल ते। उम्मीद करना सारे दोस्त खैर खरीयत नाल होणगे, अल्लाह ताला सारे दोस्तों नूं अपनी हिफ्ज़ो ईमान रखे। अच्छा तो दोस्तों, कदे कदे विलॉग पंजाबी विच कर देना और कदे कदे उर्दू विच कर देना, इहदी रीज़न पता ही की है। अच्छा इहदी रीज़न यह है कि बाज़ औक़ात मैं सोचना कि यार विलॉग उर्दू विच करना चाहिए, ताकि कुछ लोग होंदे ने जिन्हां नूं साडी पंजाबी समझ नहीं आउंदी, क्योंकि साड़ी पंजाबी नू असी जांगली आने हैं, जांगली जबान है और एदी समझ नहीं अच्छी तरह कुछ लोगों नू आउंदी। इस वजह तो मैं फिर जिहड़ा पंजाबी दी बजाय उर्दू विच विलॉग करन दी कोशिश करना, लेकिन मेरे कुछ दोस्त जड़े ने वो मैनू आंदे ने कि यार जिहड़ी अपनी मादरी जबान है उहदे विच विलॉग करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होंदा है। इस वजह तो फिर मैं कदे कदे कशमकश दा शिकार होकर फिर पंजाबी विच विलॉग बना दिंदा। अच्छा तो दोस्तों, मैं हुण वड्डा पिया चारा, मेरी उंगली ते लगी खलोती है दातरी, एक ते नहीं इस ते भी लगी खलोती है, इस ते भी लगी खलोती है और इस ते भी लगी खलोती है, तीन उंगलियां ते दातरी थोड़ी थोड़ी लग गई है, क्योंकि ये जड़ी जमीन है जिहदे मैं चारा हुण वड्डा पिया ये है, मतलब उच्ची नीवी, उच्ची नीवी तो मुराद ये कोई मतलब ये रोड़े से ज़्यादा और मिट्टी के रोड़े जड़े होंगे ने ज़्यादा सी और ये अच्छी तरह बनी हुई नहीं, जिदी वजह तो मैं दातरी लगी चारा वड़दे आया। तो हुण मैं इहदे ते कपड़े वाले ने कि ये जड़े है ने दोबारे जिथे दातरी पहले लगी है ये ना वे दोबारे इहदे उत्ते लग जाए, तो इस वजह तो मैं ये हुण दोबारे इहदे ते दोबारे ना लगन की वजह तो इहदे ते कपड़ा वाल दिता। तो वैसे विलॉग जिहड़ा है अपनी मादरी जबान चंगा लगता है, जिमें कि हुण वेला मुंडा बड़ा मशहूर मरूफ यूट्यूबर है पंजाब दा, पंजाबी यूट्यूबर, वो माशाल्लाह विलॉग करता है सुरैकी जबान और सुरैकी जबान बानिस्बत जिहड़ी साडी जबान पंजाबी है मतलब जांगली पंजाबी, इहदी निस्बत सुरैकी जिहड़ी ज़्यादा मज़ेदार और मिठी जबान है, मतलब जदों बंदा सुरैकी विच गल करता मज़ा ही आ जाता है। वैसे मेरे जिहड़े नानके ने वह बावलपुर रहिंदे ने, तो उत्थे सुरैकी बोली जाती है, तो मैं बचपन च उत्थे रहिंदा रहा, तकरीबन तीसरी चौथी मैं उत्थे कीती, दूसरी क्लास मतलब प्राइमरी स्कूल मैं गवर्नमेंट दे विच उत्थे पढ़दा सी, तो मैं तकरीबन उत्थे रहा दूसरी पहली कच्ची असी सद्दे है कच्ची जमात पंजाबी विच, कच्ची जमात और पक्की जमात और अगू फिर दूसरी जमात और फिर तीसरी और चौथी, ये तकरीबन पांच एक साल मैं उत्थे रहा बहावलपुर, चन्नन पीर दरबार है बड़ी मशहूर मरूफ जगह है, उस जगह पर मेरे नानके रहिंदे ने उत्थे, उत्थे सुरैकी बोली जाती है। मैं इतना अरसा रहा, कुछ सुरैकी दे लफज मैनू भी आते हैं, मैं सीखता भी रहा, लेकिन बकायदा तौर मैं मतलब मैनू बोलनी नहीं आती ना मैं कदे बोली है, लेकिन सुरैकी जबान बहुत मिठी है, मतलब उर्दू के लोग बोलते हैं बहुत ही मिठी जबान है सुरैकी विच, वाकई बड़ी मिठास है। और वेला मुंडा जिहड़ा बड़ा मशहूर मरूफ विलॉगर है, उनकी कामयाबी की वजह विलॉग तो हुसैन पिछे मेहनत भी होनी है बहुत ज़्यादा, मतलब आखिरकार उन्होंने हो गए ने 10 साल, 10 साल मेहनत करने तो बाद बंदा मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, 10 साल बड़ी स्ट्रगल है उसकी, लेकिन ये एक रीज़न जड़ी है कामयाबी दी वो ये भी है कि मेरे ख्याल नाल कि सुरैकी जबान जड़ी बड़ी मिठी जबान है और ये जबान अट्रैक्टिव करती है बंदे नू, तो और ये सुरैकी जड़े विलॉगर ने मैं वैसे वेखे ने जनूबी पंजाब के अक्सर जड़े वेखे ने, उन्होंने विलॉग जड़े ने बड़े मतलब मज़ेदार लगते ने, विलॉग मज़ेदार ना भी हो तो उन्होंने बोलन का जो स्टाइल है और जबान की जड़ी मिठास है बड़ी मज़ेदार होंगी। मेरिया अखी जड़िया ने बार बार बंद भी हो रही ने और अखी विचों पानी भी आ गया, उसकी रीज़न यह है कि जी साइड तो मैं वीडियो बना रहा इधर सूरज है पीछे और सूरज होवन की वजह तो जड़ा है मेरे बिल्कुल नज़र सूरज तो सामने जा रही है और सामने जो जाती उदो अखी में सूरज पाँदा और अखी बंद हो जाए ने और बंद होवन की वजह तो जड़ा है पानी भी इस वजह तो होंगे सूरज पवन की वजह तो। तो वैसे मैं तो वीडियो हाल ही तक मतलब मोबाइल के फ्रंट कैमरे नाल ही बना, वैसे मैं दोस्त कई आते हैं बैक कैमरे ला बनाई कर ज़्यादा अच्छी होंगी है, वो बैक कैमरे ला बनावन लाल मेरा जो मूँह का फोकस और जो अखी का फोकस है वो स्क्रीन तो अच्छी तरह नहीं रहा, एक दो दफ़ा मैं चैक किया है,
ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਾਜ਼ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਲੋਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਮੈਕ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਦਰਾਜ਼ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਕ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਆਵੇਗਾ। ਸਟੈਂਡ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੁਬੋ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇੰਟਰਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਟੇਨ ਹੋਵਣ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੋ ਚਾਰ ਕੰਮ ਨੇ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਤਾਰੀਖੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਜਾਣ ਕੋਈ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਈ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਫਾਸਲੇ ਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਵਲੋਗ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਾਇੰਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਚਰ ਵੇਖ ਸਕੋ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ?